गया शहर के गांधी में कृषि यांत्रिकरण मेला सह कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए राज्य के सबरन मंडल में कृषि यांत्रिक मेला का आयोजन किया जा रहा है और यह मेला पहले जिला स्तर पर लगता था। हमने कहा इस पर मंडल स्तर पर लगाया जाए, तो राज्य के 101 अनुमंडल हैं, सभी अनुमंडल में लगाए जा रहे मेले और किसान भाइयों से हम कह रहे हैं आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि उनका लागत कमे और उनकी आमदनी बढ़े जाकर। और अभी चालू वित्तीय वर्ष में 1,60,00,000 की लागत से हमने और योजना बनाई है, उसमें पहले 71 प्रकार के यंत्र हुआ करते थे, अब 76 प्रकार के यंत्र हो गए जा करते हैं और सभी यंत्रों में सब्सिडी की राशि है, रियायत है, ताकि किसानों को यंत्र खरीदने में सुविधा हो जा करती है। और साथ ही साथ कस्टम हायरिंग योजना है, हम किसान भाइयों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि किसान भाई कस्टम हायरिंग कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कर लेते हैं, उसमें 10,00,000 तक का कृषि यंत्र खरीदने में 8,00,000 की सब्सिडी है और 25,00,000 के कृषि यंत्र बैंक में 10,00,000 की सब्सिडी है और 40,00,000 के कृषि यंत्र बैंक में 16,00,000 की सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्र बैंक के माध्यम से यदि राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहन खेती करेंगे उनका लागत कमेगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदनी 2022 तक बढ़ाना जाए, उस दिशा में कृषि विभाग काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं किसानों की खेतों में लागत कैसे कम जाकर के, तो केंद्र राज्य सरकार की बेहतर पहल है और पहल के तहत कृषि विभाग के द्वारा राज्य के सभी अनुमंडल में कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जा रहा है और यह मेला आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होगा।